शुभेच्छा नेबेन बंधुरा लक्ष्मीस स्टूडियो चैनलेर पक्ष थेके सकलके स्वागत जानाच्छि। आमि लक्ष्मी सरकार। आज आमि पाठ करब कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुरेर एकटी छोट गल्प पोस्टमास्टार। रवींद्रनाथ ठाकुरेर आरो किछु छोट गल्प कविता एवं प्रबंधेर अडियो बुक आमार चैनेले आछे। एई भिडियो डेस्क्रिप्शन बक्से सेई लिंकगुलो दिये राखबो, आग्रहीरा शुने निते पारबेन। शुरू करछि छोट गल्प पोस्टमास्टार। प्रथम काज आरम्भ करियाई उलापुर ग्रामे पोस्टमास्टर के आसिते हय। ग्रामटी अति सामान्य, निकटे एकटी नीलकुठी आछे, ताई कुठीर साहेब अनेक जोगाड़ करिया एई नतून पोस्ट अफिस स्थापन कराइयाछे। आमादेर पोस्टमास्टर कलिकातार छेले, जलेर माछके डांगाय तुलले जेरकम हय, एई गण्डग्रामेर मध्ये आसिया पोस्टमास्टारेरो सेई दशा उपस्थित हइयाछे। एकखानी अंधकार आटचालार मध्य ताहार आपिस, दूरे एकटी पाना पुकुर एवं ताहार चारिपाड़े जंगल। कुठीर गोमस्ता प्रभृति जे सकल कर्मचारी आछे ताहादेर फुसरत प्राय नाई एवं ताहारा भद्रलोकेर सहित मिशिबार उपयुक्त नाहि। विशेषत कलिकातार छेले भालो करिया मिशिते जाने ना। अपरिचित स्थाने गेले हय उद्धत नय अप्रतिभ हइया थाके। एई कारणे स्थानीय लोकेर सहित ताहार मेलामेशा हइया ओठे ना, अथच हाते काज अधिक नाई। कखनो कखनो दुई एकटा कविता लिखिते चेष्टा करेन, ताहाते एमन भाव व्यक्त करियाछेन जे समस्त दिन तरुपल्लबेर कम्पन एवं आकाशेर मेघ देखिया जीवन बड़ सुखे काटिया जाय। किन्तु अंतर्जामी जानेन यदि आरब्य उपन्यासेर कोनो दैत्य आसिया एक रात्रेर मध्ये एई शाखा पल्लव समेत समस्त गाछपाला काटिया पाका रास्ता बनाइया देय एवं सारी सारी अट्टालिका आकाशेर मेघके दृष्टिपथ हइते रुद्ध करिया राखे, ताहा हइले एई आधमरा भद्र सन्तानटी पुनश्च नवजीवन लाभ करिते पारे। पोस्टमास्टारेर वेतन अति सामान्य, निजे राधिया खाइते हय एवं ग्रामेर एकटी पितृमातृहीन अनाथा बालिका ताहार काजकर्म करिया देय। चारिटी चारिटी खाइते पाई। मेयेटिर नाम रतन, बयस 12-13, विवाहेर विशेष सम्भावना देखा जाय ना। सन्ध्यार समय जखन ग्रामेर गोयालघर हइते धूम कुण्डलायित हइया उठित, झोपे झोपे झिल्ली डाकित, दूर ग्रामेर नेशाखोर बाउलेर दल खोल करताल बजाइया उच्चस्वरे गान जुड़िया दित। जखन अंधकार दावाय एकला बसिया गाछेर कम्पन देखिले कवि हृदयेও ঈষৎ हृदकम्प उपस्थित हइत। तखन घरेर कोणे एकटी क्षीण शिखा प्रदीप जालिया पोस्टमास्टार डाकितेन, रतन। रतन दारे बसिया एई डाकेर जন্য अपेक्षा करिया থাকিত, किन्तु एक डाके घरे आसित ना। बोलित, कि गो बाबू, केन डाकछो? तुई कि करछिस? एखोनी चुलो धराते जेते हबे, तोर हेसेलेर काज परे हबे, एखोन एकबार तामाकटा सेजे दे तो। अनति विलम्बे दुटी गाल फुलाइया कलिकाय फू दिते दिते रतनेर प्रवेश। हाथ हइते कलिकाटा लइया पोस्टमास्टार फस करिया जिज्ञासा करेन, আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে? সে অনেক কথা, কতক মনে পড়ে কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাত দুই একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে क्रमे रतन पोस्टमास्टारेर पायेर काछे माटिर उपर बसिया पड़ित। मने पड़ित ताहार एकटी छोटो भाई छिलो। बहु पूर्वेकार बर्षार दिने एकदिन एकटा डोबार धारे दुइजने मिलिया गाछेर भांगा डालके छिप करिया मिछामिछि माछ धरा खेला करियाछिलो। अनेक गुरुतर घटनार चेये सेई कथाटाई ताहार मने बेशी उदय हइत। এইরূপ কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত। তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যঞ্জন থাকিত, एबं रतन ताड़ाताड़ी उनुन धराइया खान कयेक रुटी सेकिया आनित। ताहातेई उभयेर रात्रेर आहार चलिया जाइत। एक एक दिन सन्ध्या बेलाय सेई बृहत् आटचालार कोणे आपिसेर काठेर चौकिर उपर बसिया पोस्टमास्टारो निजेर घरेर कथा पाड़ितेन, छोटो भाई मा एबं दिदिर कथा। प्रवासे एकला घरे बसिया जाहादेर जन्य हृदय व्यथित हइया उठित ताहादेर कथा, जे सकल कथा सर्वदाई मने उदय हय अथच नीलकुठिर गोमस्तादेर काछे जाहा कोनो मतेई उत्थापन करा जाय ना सेई कथा एकटा अशिक्षिता क्षुद्र बालिकाके बलिया जाइतेन। किछुमात्र असंगत मने हइत ना। अवशेषे एमन हइल बालिका कथोपकथनकाले ताहादेर घरेर लोकदिगके मा दिदी दादा बलिया चिरपरिचितिर न्याय उल्लेख करित। एमनकि ताहार क्षुद्र हृदयपटे बालिका ताहादेर काल्पनिक मूर्तिओ चित्रित करिया लइयाछिल। एकदिन बर्षाकाले मेघमुक्त दीप्रहरे ईषत्तप्त सुकोमल बातास दितेछिल। रौद्रे भिजा घास एवं गाछपाला हईते एक प्रकार गन्ध उत्थित हईतेछिल। मने हईतेछिल जेन क्लान्त धरणीर उष्ण निश्वास गायेर उपर आसिया लागितेछे एवं कोथाकार एक नाछड़बान्धा पाखी ताहार एकटा एकटाना सुरेर नालिश समस्त दुपुर बेला प्रकृतिर दरबारे अत्यंत करुण स्वरे बार बार आबृत्ति करे चलछिल। पोस्टमास्टारेर हाते काज छिल ना। सेदिनकार बृष्टिधौत मसृण चिक्कन तरुपल्लबेर हिल्लोल एवं पराभूत बर्षार भग्नावशिष्ट रौद्र शुभ्र स्तूपाकार मेघस्तर वास्तविकी देखिबार विषय छिल। पोस्टमास्टर ताहा देखितेछिलेन एवं भाबितेछिलेन एई समय काछे एकटी केह नितान्त आपनार लोक थाकित। हृदयेर सहित एकान्त संलग्न एकटी स्नेहपत्तुली मानव मूर्ति। क्रमे मने हइते लागिल सेई पाखी ओई कथाई बार बार बलितेछे एवं एई जनहीन तरु छाया निमग्न मध्याह्नेर पल्लव मर्मरेर अर्थ कतकटा ओईरूप। केह विश्वास करे ना एवं जानितेओ पाय ना, किन्तु छोटो पल्लीर सामान्य वेतनेर साब पोस्टमास्टारेर मने गभीर निस्तब्ध मध्याह्ने दीर्घ छुटिर दिने एईरूप एकटा भावेर उदय हइया थाके। पोस्टमास्टार एकटा दीर्घ निश्वास फेलिया डाकिलेन, रतन। रतन तखन पेयारा तलाय पा छड़ाइया दिया काचा पेयारा खाइतेछिल। प्रभुर कण्ठस्वर शुनिया अविलम्बे छुटिया आसिल। हाँपाइते हाँपाइते बलिल, दादाबाबू डाकछो? पोस्टमास्टार बलिलेन, तोके आमी एकटू एकटू करे पढ़ते शेखाबो। बलिया समस्त दुपुर बेला ताहाके लइया स्वरे अ स्वरे आ करिलेन एवं एई रूपे अल्प दिनेई युक्ताक्षर उत्तीर्ण हइलेन। श्रावण मासे बर्षणेर आर अंत नाई। खाल बिल नाला जले भरिया उठिल। अहोर्निशि भेकेर डाक एवं बृष्टिर शब्द। ग्रामेर रास्ताय चलाचल प्राय एक प्रकार बंध। नौकाय करिया हाटे जाइते हय। एकदिन प्रातःकाल हईते खूब बादला करियाछे। पोस्टमास्टारेर छात्रीटी अनेकक्षण द्वारेर काछे अपेक्षा करिया बसियाछिल, किन्तु अन्य दिनेर मतो यथासाध्य नियमित डाक शुनिते ना पाइया अपनी खुंगी पुथी लइया धीरे धीरे घरेर मध्य प्रवेश करिल। देखिल पोस्टमास्टार ताहार खाटियार उपर शुइया आछेन, विश्राम करितेछेन मने करिया अति निःशब्दे पुनश्च घर हईते बाहिरे जाइबार उपक्रम करिल। सहसा शुनिल, रतन। ताड़ाताड़ी फिरिया गिया बलिल, दादाबाबू घुमोच्छिले? पोस्टमास्टार कातर स्वरे बलिलेन, शरीरटा भालो बोध होच्छे ना। देख तो आमार कपाले हाथ दिए। एई नितान्त निस्संग प्रवासे घन बर्षाय रोगकातर शरीरे एकटूखानी सेवा पाइते इच्छा करे। तप्त ललाटेर उपर शाखा पड़ा कोमल हस्तेर स्पर्श मने पड़े। एई घोर प्रवासे रोग यंत्रणाय स्नेहमयी नारी रूपे जननी ओ दिदी पाशे बसिया आछेन एई कथा मने करिते इच्छे करे एबं एई स्थले प्रवासीर मनेर अभिलाष व्यर्थ हइल ना। बालिका रतन आर बालिका रहिल ना। सेई मुहूर्तेई से जननीर पद अधिकार करिया बसिल। वैद्य डाकिया आनिल, यथा समये बटिका खावाइल। सारा रात्रि शिओरे जागिया रहिल। आपनि पथ्य राधिया दिल एवं शतबार करिया जिज्ञासा करिल, हाय गो दादाबाबू एकटूखानी भालो बोध होच्छे कि बहुदिन परे पोस्टमास्टर क्षीण शरीरे रोगशज्जा त्याग करिया उठिलेन। मने स्थिर करिलेन आर नय एखान हইতে कोनो मते बदली हইতে हইবে। स्थानीय अस्वास्थ्यের कथा उल्लेख करिया तत्क्षणात् कलिकाताय कर्तृपक्षदेर निकट बदली हইবার জন্য दरखास्त करिलेन। रोगसेवा हইতে निष्कृति पाइया रतन द्वारेर बाहिरे आबार ताहार स्वस्थान अधिकार करिल, किन्तु पूर्ववत आर ताहाके डाक पड़े ना। माझे माझे उकी मारिया देखे पोस्टमास्टर अत्यंत अन्यमनस्क भावे चौकीते बसिया अथवा खाटियाय शुइया आछेन। रतन जखन आह्वान प्रत्याशा करिया बसिया आछे तिनि तखन अधीर चित्ते ताहार दरखास्तेर उत्तर प्रतीक्षा करितेछेन। बालिका द्वारेर बाहिरे बसिया सहस्रबार करिया ताहार पुरानो पड़ा पड़िल। पाछे जेदिन सहसा डाक पड़िबे सेदिन ताहार युक्त अक्षर समस्त गोलमाल हइया जाय एई ताहार एकटा आशंका छिल। अवशेषे सप्ताहखानेक परे एकदिन सन्ध्याबेलाय डाक पड़िल। उद्वेलित हृदये रतन गृहेर मध्य प्रवेश करिया बलिल, दादा बाबू आमाके डाकछिले? पोस्टमास्टर बलिल, रतन काली आमी जाच्छी। कोथाय जाच्छो दादा बाबू? बाड़ी जाच्छी। रतन बलिल, आबार कबे आसबे? पोस्टमास्टर बलिल, आर आसबो ना। रतन आर कोनो कथा जिज्ञासा करिल ना। पोस्टमास्टर आपनिई ताहाके बलिलेन तिनि बदलिर जन्य दरखास्त करियाछिलेन, दरखास्त नामंजूर हइयाछे, ताई तिनि काजे जवाब दिया बाड़ी जाइतेछेन। अनेकक्षण आर केह कोनो कथा कहिल ना। मिटमिट करिया प्रदीप ज्वलिते लागिल एबं एक स्थाने घरेर जीर्ण चाल भेद करिया एकटा माटिर सरार उपर टप टप करिया बृष्टिर जल पड़िते लागिल। किछुक्षण परे रतन आस्ते आस्ते उठिया गिया रान्नाघरे रुटी गड़िते लागिल। अन्य दिनेर मतो तेमन चटपट हइल ना। बोध करि मध्य मध्य माथाय अनेक भावना उदय हइयाछिल। पोस्टमास्टारेर आहार समाप्त हইলে पर बालिका ताहाके जिज्ञासा करिल, दादा बाबू आमाके तोमादेर बाड़ी निये जाबे? पोस्टमास्टर हासिया कहिलेन, से कि करे हबे? ब्यापारटा जे कि कारणे असम्भव ताहा बालिकाके बुझानो आवश्यक बोध करिलेन ना। समस्त रात्रि स्वप्ने एबं जागरणे बालिकार काने पोस्टमास्टारेर हास्यध्वनिर कण्ठस्वर बाजिते लागिल, से कि करे हबे? भोरे उठिया पोस्टमास्टर देखिलेन ताहार स्नानेर जल ठीक आछे। कलिकातार अभ्यास अनुसारे तिनि तोला जले स्नान करितेन। कखन तिनि यात्रा करिबेन से कथा बालिका कि कारणे जिज्ञासा करिते पारे नाई। पाछे प्रातःकाले आवश्यक हय एई जन्य रतन तत रात्रे नदी हইতে ताहार स्नानेर जल तुलिया आनियाछिल। स्नान समापन हইলে रतनेर डाक पड़िल। रतन निःशब्दे गृहे प्रवेश करिल एबं आदेश प्रतीक्षाय एकबार नीरवे प्रभुर मुखेर दिके चाहिल। प्रभु कहिलेन, रतन आमार जायगाय जे लोकटी आसबेन ताके बोले दिये যাব, तिनि तोके आमारी मतन जत्न करबेन। आमी जाच्छी बोले तोके किछु भाबते हबे ना। এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, किन्तु नारी हृदय के बुझिबे। रतन अनेक दिन प्रभुर अनेक तिरस्कार नीरवे सह्य करियाछे, किन्तु एई नरम कथा सह्य करिते पारिल ना। एकेबारे उच्छ्वसित हृदये कादिया उठिया कहिल, ना ना तोमार काउके किछु बोलते हबे ना, आमी थाकते चाइ ना। पोस्टमास्टर रतनेर एरूप व्यवहार कखनो देखेन नाई, ताई अबाक हइया रहिलेन। नतून पोस्टमास्टर आसिल, ताहाके समस्त चार्ज बुझाइया दिया पुरातन पोस्टमास्टर गमनोन्मुख हইলেন। যাইবার समय रतन के डाकिया বলিলেন, रतन তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারিনি, আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর কয়েকদিন চলবে। কিছু পথ খরচা বাদে তাহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। तखन रतन धूलाय पड़िया ताहार पा जड़ाइया धरिया कहिल, दादा बाबू तोमार दुटी पाए पड़ी, आमाके किछु दिते हबे ना। तोमार दुटी पाए पड़ी, आमार जन्य काउके किछु भाबते हबे ना। বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল। ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন। যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষা বিস্ফোরিত নদী ধরনীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল। তখন হৃদয়ের মধ্যে একটি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড় বিচ্ছিত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি, কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়েছে এবং নদী প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি, পৃথিবীতে কে কাহার। কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট অফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে। সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হাই বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়, ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না। যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে। প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভেতর প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়। অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে। তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তি পাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া ওঠে। ধন্যবাদ সকলকে গল্পটি শোনার জন্য। কে কোথা থেকে শুনছেন এবং গল্পটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে লিখে জানালে খুশি হব। এরকম আরও ভালো লাগা বাংলা ছোট গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং জীবনী পাঠ শুনতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ।